इलेक्शन वार्ड नंबर 13 विस्तार में रिलायंस केबल डालने की कामगिरी के दौरान बार बार घटित होती वैसी लापरवाह कामगिरी के साथ ड्रेनेज की लाइन टूट जाते हुए आज स्थानीय कांग्रेस के काउंसिलर बालू सुर्वे द्वारा तंत्र पर तीखे प्रहार किए गए। वडोदरा शहर के विविध विस्तारों में फिलहाल रिलायंस केबल सहित प्राइवेट कंपनी द्वारा केबल डालने की कामगिरी की जा रही है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा गंभीर लापरवाही और बेदरकारी बरतने के कारण आए दिनों ड्रेनेज की लाइन हो या पानी की लाइन या तो फिर गैस की लाइन हो, ये टूट जाने के कारण स्थानीय लोगों की परेशानियों में बढ़ावा हो रहा है। इलेक्शन वार्ड नंबर 13 विस्तार में भी रिलायंस केबल डालने की कामगिरी के दौरान आज एक ड्रेनेज लाइन टूट जाते हुए स्थानीय विस्तार के लोगों के लिए काफी परेशानियां पैदा हुई थी। ऐसे में आज घटनास्थल पर स्थानीय काउंसिलर बालू सुर्वे ने निरीक्षण करते हुए ड्रेनेज की लाइन टूटी हालत में पाने के साथ कॉर्पोरेशन तंत्र तथा कॉन्ट्रैक्टर की मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाते हुए तीखे प्रहार किए थे। वारंवार हमें हमारा विस्तार ने रजूआत करता है जे के आज रिलायंस केबल वाला होए के बीजा केबल वाला होए जे कामगिरी करता होए जे कोई जातनी परमिशन लीधा वगर कामगिरी करे जे अने तमे जोई सको के थोड़ा दिवस अगाउ पण गैसनी मुख्य नलिका तोड़ी नाखवामां आवेली एना लीधे त्रण त्रण दिवस सुधी अमारा विस्तारना लोकोने गैस बंद थई गयेलो बहु हालाक मुश्केली पड़ी थी। तमे जोई सको थोड़ा दिवस अगाउ ज अमे जे रजूआत करी वोर्डमां के अमारा विस्तारमां ड्रेनेज लाइन तूटी गई छे एना पछी चेक करवामां आव्युं छे तो जोयुं के अंदर रिलायंसना केबले आखी प्रेशर लाइन ड्रेनेजनी तोड़ी नाखवामां आवी छे, मोटू भंगाण पड़ी गयुं छे ने एना लीधे अमारा आखा विस्तारमां ड्रेनेजनी खूब समस्या वधी गई छे। वसंत विहार कॉलोनी में पण गंदुनो कारू पानी आवे छे एना लीधे डायरियाना भी केस वधी गया छे। तानाजी पेंटर गलीनी आजूबाजू तमाम विस्तार में तमे ड्रेनेजो लाइन फूल छे, लोकोना घरे घर घर लोग बीमार पड़ी गया छे अने वारंवार आवा रिलायंस वाला होय केबल वाला होय इतर कोई पर अने वारंवार आवी लाइनो भंग मोटी मोटी लाइनों तोड़ी नाखता होय एटले आपना माध्यमथी एज रजूआत करवा मांगे छे के ते तमाम खर्चो आ जे कई खर्चो थाय तमाम खर्चो रिलायंस वाला होय के केबल वाला होय एमनी पाहेथी लेवामां आवे एवी अमारी रजूआत छे। અન્ય ત્રણ કાઉન્સિલરો તમારી સાથે છે એ લોકોએ ચેક કરવા માટે કેટલી મોનિટરિંગ કરી છે? એ રજૂઆત કરી કે મને ખબર નથી પણ અમારી ફરજમાં આવે છે કે અમારા વિસ્તારમાં કોઈ પણ પ્રજાને જે નુકસાન થતું હોય પ્રજાને મુશ્કેલી પડતી હોય એનો અવાજ ઉઠાવવાનો હોય અને એ અમે કરી રહ્યા છીએ।